आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। छठ पर्व के नजदीक आते ही जामताड़ा जिले के मोहवाली समुदाय के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। कोरोना काल में परंपरागत पैसा बांस से बने टोकरी, सूप, डलिया आदि की बिक्री पर ग्रहण लग चुका था, लेकिन अब छठ पूजा नजदीक आते ही जिले के मोहवाली समुदाय बगुल गांव में बागर के व्यापारियों का आना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जामताड़ा जिले में मोहवाली समुदाय द्वारा निर्मित सूप डलिया की डिमांड छठ पूजा के अवसर पर बिहार और बंगाल में खूब होती है। लिहाजा बंगाल और झारखंड के व्यापारियों का अब आसन बेड़िया, दुमा, मोहना बांक, चापुड़िया, धोबोना आदि गांव में आना शुरू हो चुका है। ये लोग डलिया और सूप खरीदकर बंगाल और बिहार सप्लाई करने में जुट चुके हैं। ऐसे में अब मोहवाली समुदाय की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर आती दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता वकील सोरेन का कहना है कि मोहवाली समुदाय को यदि बांस से बने सामानों को व्यापारिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाए तो इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार बढ़ने की गुंजाइश रहेगी। मोहवाली समुदाय को सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण मिले और बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए वे जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। अभी छठ पूजा में डलिया बनाते हैं, सूप बनाते हैं, छोटा सूप और उसको हम लोग ऊंची बोलते हैं, उसको बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बंगाल लिया बिहार में विभिन्न जगह ले जाकर बेचते हैं। अभी हम लोग का जीवन स्तर कुछ कुछ मने सुधार हो रहा है। हम लोग बांस टोकरी उपरी बनाते हैं छठ पूजा के लिए सामान, हम लोग किसी तरह से गुजार चलाते हैं, बांस टोकरी बना करते हैं। हम लोग छठ पूजा में डलिया सूप हम लोग उधर बिहार भी जाता है, बंगाल भी जाता है, उधर भागलपुर सब तरफ भी जाता है। हम लोग का माल सूप ले रहे हैं, डलिया ले रहे हैं और सप्लाई हम लोग बंगाल करते हैं और जाने वाले हैं झारखंड का। छठ पूजा में आ रहा है, लोग लोगों में बहुत असुविधा हुआ, लेकिन आप धीरे धीरे देखें छठ पूजा में हम लोग को कोई सुधार आ रहा है। अब देखिए छठ पूजा में अगर सुधार आ जाएगा तो बहुत हम लोग का असुविधा दूर होगा, न तो बहुत तकलीफ हो रहा है। एक में एक दुखन अंसारी के लिए हम इस सोप दरिया खरीदता है तो हम बंगाल में बिक्री करता है, देहाती में जो बाजार टाउन है उल्टी बढ़ा कर चित्रंजन आसनसोल इधर से उधर इधर उधर करके बिक्री करता है। मूली जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ अभी कोरोना काल में भी अभी बाहर से जब आ रहे हैं पैकारे तो इन लोगों को डाले सुपिया बेच के अभी इन लोगों आमदनी बढ़ रहा है, जीवन स्तर अभी सुधर रहा है। की जाएगी, मैं बहुत जल्दी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो से बात करेंगे कि इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए और इन लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लगभग दर्जनों गांव होंगे, सबका यही हाल है। आपके पास धीरे धीरे लोगों को आमदनी में बढ़ोतरी होते जा रहा है,